बात करते हैं सोनम मलिक की। सोनम मलिक सोनीपत हरियाणा की एक भारतीय पहलवान है। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा उन्होंने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। मलिक का जन्म 15 अप्रैल 2002 को हरियाणा के सोनीपत के मदीना गांव में हुआ था। उनके पिता और एक चचेरे भाई पहलवान हैं। उनके पिता अपने गांव के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में युवा सोनम मलिक को कोच अजमेर मलिक से प्रशिक्षण दिलाने ले गए, लेकिन यहां सुविधाओं का अभाव था और कोचिंग अकेडमी में कुश्ती के लिए मैट तक उपलब्ध नहीं थी। खिलाड़ियों को मिट्टी पर ही प्रशिक्षित करना पड़ता था। बारिश के दिनों में मैदान में कीचड़ हो जाते थे, जिससे खिलाड़ियों को सड़क पर अभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कठोर परिश्रम और त्याग के चलते सोनम मलिक राष्ट्रीय पटल पर नेशनल स्कूल गेम्स 2016 में स्वर्ण पदक जीता और वर्ष 2017 में उन्होंने कैडेट नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। सोनम मलिक 2017 में एक टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गईं। उनके कंधे में चोट आई थी। चोट इतनी जबरदस्त थी कि 1.5 साल तक उनका इलाज हुआ। चोट से उभरने के बाद उन्होंने फिर से काफी मेहनत करनी पड़ी और इनकी मेहनत रंग लाई। 2018 में मलिक ने कैडेट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और कैडेट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। 2019 में मलिक ने कैडेट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में एक बार फिर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सोनम मलिक के लिए एक बड़ा मौका 2020 में आया, जब उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को 2 महीने के दौरान 2 बार हराया। भले ही सोनम मलिक को टोक्यो ओलंपिक में निराशा हाथ लगी, पर आपके खेल की हर जगह सराहना हो रही। आप हार कर भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। आपको धन्यवाद और सलाम।